अपने असफल कार्यकाल की हो रही जग हसाई, आगामी चुनाव में भाजपा के दिख रहे सफाई से बुखलाए हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर अनाप शनाप झूठी बयानबाजी और निजी हमलों की तुच्छ राजनीति पर उतर आए हैं। बगैर इतिहास की जानकारी रखे वे तथ्यहीन बातें कर रहे हैं, जिससे साबित हो गया कि वे कितने घबराहट में हैं। भाजपा के साथ हजगां का गठबंधन 2011 में चौधरी भजन लाल के स्वर्गवास के बाद हुआ था और 2014 लोकसभा चुनाव तक भाजपा के हर बड़े नेता ने कुलदीप बिश्नोई को सीएम प्रोजेक्ट किया था। कुलदीप बिश्नोई की मेहनत और हजगा संगठन के सहारे भाजपा प्रदेश की सत्ता पर तो काबिज हो गई, लेकिन धोखेबाजी के अपने इतिहास को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने प्रदेश की जनता के साथ भी धोखा किया है, जिसका नाम प्रदेश के हर कोने और 36 बिरादरी में उनकी सरकार के खिलाफ भारी रोष है। रेणुका बिश्नोई ने कहा कि कुलदीप बिश्नोई की पीठ में छुरा घोंप कर राजनीतिक दुर्घटनावश मुख्यमंत्री बन बैठे मनोहर लाल खट्टर ये जान ले, जो उन्हें सत्ता में लाना जानते हैं वही व्यक्ति उनको उतारना भी जानते हैं। आगामी चुनाव में कांग्रेस पार्टी और कुलदीप बिश्नोई जनता के आशीर्वाद से भाजपा का प्रदेश से सफाया करेगी। हरियाणा प्रदेश का ये दुर्भाग्य है कि मनोहर लाल खट्टर जैसा एक मंद बुद्धि का मुख्यमंत्री इस प्रदेश को दिया गया है। मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि पहले तो वो अपना इतिहास और साहित्य की जानकारी ठीक कर ले, क्योंकि स्वर्गीय चौधरी भजन लाल जी का स्वर्गवास आप सब जानते हैं कि जून में हुआ था 2011 में, और भाजपा के साथ हमारा अलायंस 3 या 4 महीने के बाद अक्टूबर में जाके इनके साथ अलायंस हुए। तो ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इतनी झूठ की राजनीति ये भाजपा सरकार कर रही है। हम सोचे थे कि प्रधानमंत्री ने जो झूठ की गाड़ी चला रखी है, पर उन्होंने तो मुख्यमंत्री ने तो प्राइम मिनिस्टर को ही पीछे छोड़ दिया झूठ बोलने में, क्योंकि ये जो 2 दिन पहले इनकी हरियाणा के बारे में भाजपा की मीटिंग हुई है, उनके आंकड़ों के हिसाब से इनका पूर्ण रूप से सफाई हरियाणा में, इनकी ना तो एक भी लोकसभा सीट आ रही है दोबारा और ना इनकी विधानसभा सीट वापस आ रही है। तो ये इनकी बौखलाहट बोल रही है। से ये पूछना चाहती हूँ, क्या उस समय उनकी औकात भी थी उस मीटिंग में बैठने की? और यदि वो सोचते हैं कि इन्होंने इतनी गलत भाषा कुलदीप जी के लिए प्रयोग की है, जो भी उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया है, मैं इनसे यही इसी बात का जवाब मांगना चाहती हूँ कि यदि कुलदीप इतने नलायक नेता थे तो क्या मजबूरी थी कि भाजपा के सभी सेंटर के केंद्र के मंत्रियों ने आकर ये अलायंस किया और चौधरी कुलदीप बिश्नोई को अगला मुख्यमंत्री घोषित किया? और रही बात स्वर्गीय चौधरी भजन लाल जी के देहांत के बाद हमारा अलायंस हुआ है, उससे पहले कभी इनसे चर्चा ही नहीं हुई। और स्वर्गीय चौधरी भजन लाल जी ने तो हमेशा भाजपा जनता पार्टी को नकारा है, उन्होंने कहा था ये कच्चाधारी झूठे लोग हैं, ये इन पे कभी विश्वास मत करना। भजन लाल जी कभी चाहते भी नहीं थे कि इनसे अलायंस कभी हो, ना कभी कोई चर्चा हुई। सबसे पहले यदि कोई गतिविधि हुई है भाजपा के साथ तो भजन लाल जी के स्वर्गवास के बाद जो नितिन गडकरी हिसार आए थे उनके शोक में बैठने के लिए, नहीं तो वो तो आप रिकॉर्ड चेक करिए। और यदि जो हमने इनसे सवाल जवाब मांगे हैं और जो इनसे काम हमने रिक्वेस्ट किए हैं वो तो एक फाइल भी नहीं है, वो एक पूरा ट्रंक है, उसका जवाब कुलदीप बिश्नोई विधानसभा में मुख्यमंत्री को देंगे। और ये अपने नाम के पीछे से खट्टर हटा के क्या चौधरी भजन लाल जी की बराबरी करना चाहता है? लाल कैटेगरी में यदि आना चाहते हैं ना, उसी तरीके से लोगों की सेवा उनको करनी पड़ेगी। उन्होंने ये सोचा कि ये आदमपुर हल्का है, ये एक परिवार है, एक गढ़ है, यहाँ देवीलाल बंसीलाल सबने अपनी ताकत आजमा ली इस परिवार को तोड़ने के लिए, वो लोग ही कामयाब होने, ये खट्टर क्या चीज है? हमेशा इनसे श्वेत पत्र मांगते हैं, अभी भी मैं मांगती हूँ 100 करोड़, ये खुद अपने मुंह से कह रही, उन्होंने घोषणा की थी कि उसका 10% भी लागू हुआ है आदमपुर हल्के में। बाल संबंध में उन्होंने खुद हाथ खड़ा करके इस बात को स्वीकारा है कि पानी की किल्लत है। जो मुख्यमंत्री किसी एरिया को पानी तक नहीं दे सकता वो कौन से विकास की घोषणा करता है? और बाल संबंध ऐसा गांव है जहां पर गंदे पानी के कारण 150 की संख्या में वहां पर कैंसर के मरीज है। उनकी विरासत नहीं संभालने वाला होता तो मैं इनसे एक ही तो प्रश्न कर रही हूं बार बार कि आपने अलायंस हजगा के साथ कुलदीप बिश्नोई के साथ क्यों किया? उनको पहले 2.5 साल मुख्यमंत्री घोषित आप लोगों ने क्यों किया? यदि उस व्यक्ति में कोई क्वालिटी नहीं थी, वो विरासत आगे बढ़ाने में सक्षम नहीं थे, तो कैसे क्या मजबूरी थी कि भाजपा जो एक नेशनल पार्टी है वो एक छोटी सी हजगा पार्टी के साथ अलायंस में भी जा रही है और कुलदीप बिश्नोई को अपना अगला मुख्यमंत्री भी घोषित कर रही है? आज न्यूज के लिए हिसार से प्रवीण कुमार की रिपोर्ट। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखी गई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।